उसके साथ नहीं, अच्छा कुछ होगा भाई। जी जी मलिक साहब, एक 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 सिचुएशन को और देखते हैं, क्योंकि हम मुसलसल अब सिनेरियो पे ऑब्वियसली अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि बात क्या की जाए, नतीजा आके नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सिनेरियोज ड्रॉ हो रहे हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कोई डेढ़ दो महीने से, जब से उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया बीबी की बरसी से, वो मुस्तकिल उन्होंने एक अपना स्टांस लिया, एक लाइन ली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बनेगी, वो जो भी करेंगे वो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं उनको मिला के करेंगे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है सर, अब इस नतीजे पर हम आ रहे हैं कि ये दोनों जमातें मिलकर कोई कोलेशन में गवर्नमेंट बनाए? देखें, जो पॉसिबिलिटी थी ना, पॉसिबिलिटी मैं नून लीग वालों को कहता था कि ये 90+ सीटें लेंगे, ठीक है, 90+ सीटों से हुकूमत नहीं बनती जी। तो मेरी अपनी अजम्पशन ये थी कि ये जो इंडिपेंडेंट पीटीआई वाले सपोर्टेड जीतेंगे, इनमें से एक मेजर चंक जो है वो आईपीपी और पीएमएलएन को ज्वाइन करेगा, तो फिर इनकी हुकूमत बनेगी। आईपीपी इनके साथ पहले ही सीटेड जस्ट, एक नतीजा और भी ले लें मलिक साहब, ये शर्जी इनाम मेमन साहब उनका हल्का, ये PS 61 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है और 63,863 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ पर 63,638 वोट लेकर कामयाब हुए हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। तो जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये जश्न के मनाजर भी हम जरा स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखा देते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी जीत रहा हो जश्न के मनाजर थोड़े जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अब जब आना शुरू हुए हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जश्न है। ये हैदराबाद का नतीजा जी, ये शर्जील इनाम मेमन की जश्न का जी। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि मेरी अजम्पशन ये थी कि ये 90+ सीट्स लेगी नून लीग जी, और आईपीपी और जो इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय पीटीआई वो जो जीतेंगे उसका एक मेजर चंक जो है विलिंगली हुकूमत में आने के लिए, ये हो सकता है दबाव में वो कुछ नून लीग और कुछ आईपीपी में जाएगा, और ये आईपीपी प्लस एमक्यूएम प्लस पीएमएलएन प्लस की पीटीआई के जीते हुए इंडिपेंडेंट्स वो मिलके तो इनकी हुकूमत के लिए तादाद पूरी हो जाएगी। अगर पीएमएलएन उस इक्वेशन से आउट होती है, उसको उसमें से निकल जाती है, और आई होप कि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिशियन है तो उसे वो कह देना चाहिए कि मैं बाहर बैठूंगा, मैं नहीं हुकूमत का हिस्सा बन रहा, तो फिर ये सेम इक्वेशन पीपल्स पार्टी को फेवर करती है। पीपल्स पार्टी उन्हीं इंडिपेंडेंट्स को, उसी एमकेएम को, उसी बाप पार्टी को, जीडीए को साथ में लाएगी तो हुकूमत बना और प्राइम मिनिस्टर उनका हो सकता है। लेकिन ये भी होगा वैसे पंजाब में कि नून लीग का फैसला सिर्फ मरकज की सीटों पर नहीं होना, नून लीग का फैसला पंजाब की सीटों पर भी होना है, तो पंजाब की सीटों का वो ट्रेंड देखेंगे। एंड मुमकिन है जिस किस्म के हालात बने हुए हैं कि पंजाब के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है सीटों के हवाले से वो आपको बेहतर नजर आए, तो नून लीग को भी दैट वुड डिपेंड। मैं सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर नून लीग को पंजाब मिलता है एक कोलिशन के साथ और मरकज के अंदर तमाम जमातें बशमूल पीटीआई के वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी ग्रुप की सूरत में, तो सबके सब स्टेक होल्डर बन जाते हैं सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है हमें स्टेक होल्डर्स बनाने का, तो एक ऐसा निजाम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर सारों का स्टेक हो और किसी का स्टेक बने ना। तो आयशा, फिर अगेन प्रधानमंत्री के कुंभे की तरफ जा रहे हैं, होल्डर कोई और। शहजाद साहब बहुत बार प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हाइब्रिड किस्म का इतना ज्यादा कंट्रोल्ड, आपको पता है कि हमें माशी इस्तेहकाम दरकार है, बहुत से ऐसे मामला हैं, SIFC रख लो, IMF आगे खड़ा है, कंट्रोल्ड ही चीजें चलती अगर इस तरफ सूरत हाल जारी, क्योंकि हम बहुत बार सवाल ये उठाते रहे प्रोग्राम के अंदर भी, यहाँ भी मैं, कि अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत के तासुर की बात की जाती है, वो नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनका गवर्नेंस स्टाइल क्या होगा, वो पॉलिटिकली क्या चेंज होंगे, रिटर्न टू पावर के बाद वो किस तरीके के नजर आएंगे, कौन सी पावर अगर कौन सी रिटर्न कौन सा नतीजा एक बात करें कि जो आगे निजाम चलना है क्या वही चीजें नहीं सेटल हो सकी, ये जो आप फ्रोजन की बात कर रहे थे वो जो चीजें सेटल होनी थी वो शायद नहीं सेटल हुई उस तरीके से, वो सेटल नहीं हुई, अगर वो हो जाती तो ये फ्रोजन ना होता। बहुत बहुत मुबारक हो आयशा, आई एम सो सॉरी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पंजाब का एक नतीजा हमारे सामने आ रहा है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक। साहिवाल से बहुत देर से, एक साहिवाल से आया, पीपी 33 का, अच्छा पीबी, माफ कीजिए, मुबारकबाद बलोचिस्तान, मुबारकबाद वापस, पीपी नहीं पीबी है, खारान से है, तो मुबारकबाद मेरी वापस जी, गैर सरकारी नतीजा, लेकिन तलक साहब की खबर सही साबित हुई, ये नून लीग से आपको बता रहा था, नून लीग से वहां पे 11,203 वोट लेकर नून लीग कामयाब हुई है, गैर से 5 और गैर सरकारी नतीजे के साथ 8
एमपीज हैं जिनके नतायज आपको इस तरह के हैं अभी बता रहा हूं। एक अदद टिश्यू पेपर भिजवा दिया। मुझे मैं कहती ना फ्रोजन वाली बात, अगर चीज है किसी को नो मतलब जहां मामला खड़े हैं चार घंटों बाद जो नजर नहीं आ रहा है, तरह साहब चार के नाम से खबर चला बात कर रहे हैं 60 70 80 ये सुबह तक, वो क्या पता कब चीजें फ्लोई कंडीशन में हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं। सो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली। तलत साहब ने अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान ना तलत साहब ने खबर दे दी है, और तलत साहब बता रहे हैं, तलत साहब जरा अगेन अता हो क्या चीज ये जो आपने बताया, ये प्रोविंशियल असेंबली बलोचिस्तान, इसमें ज्यादातर ये बाप साबका बाप वाले याकूब नसार दोस्तन दोम की, जमाली साहब, जाम कमाल साहब और असलम बुलेदी साहब, ये जीतने वालों में शामिल होंगे। साबका बाप जीत गए वहां सब, नहीं नहीं ये शामिल होंगे, शामिल होंगे। देखिए ये होता है, पहले नतीजा आ गया, खबरें यही होती हैं। चले नतीजे क्योंकि बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो गए, दोबारा आना शुरू हो गए। आप बताएं रिजल्ट, बताया पड़े रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। ये खारान 33 पीबी का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया, और इस तरह से मुसलसल अब नतीजे आ रहे हैं। तो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा वहाँ पर महक मौजूद है, नतीजे ऊंट पर जाते हैं असली में। जी ब्रेक आप लोगों की तरफ, जी ओवर टू यू, आप लोग बताएं कहां कहां से नतीजे जाना शुरू हो गए। जी किरण बहुत शुक्रिया, और नतीजे जो हैं वो समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है, मुसलसल पहुंचाएंगे। एक और नतीजा खारान से आप तक पहुंचा रहे हैं, मीर शुएब हैं और यहां से 11,203 वोट लेकर कामयाब हुए हैं खारान। पीबी 33 का ये हलका है, यहाँ से जो मैदान मारा है पीएमएलएन ने, मीर शुएब उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये मैदान मार लिया है, ये मार्का सर कर लिया है। मीर शुएब उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, पीबी 33 का ये हलका है और सूबाई असम्बली की ये सीट है जो कि मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर ली है। 11,203 वोट लिए, 11,203 वोट लेकर यहाँ से कामयाबी हासिल की है और ये सीट अपने नाम की है। पीबी 33 का ये हलका एचडीपी क्वेटा 3 का इलाका है, कादिर अली यहां से कामयाब हुए हैं, 6,268 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, 6,268 वोट हासिल करके यहां से ये सीट भी अपने नाम कर ली है। बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे से मुतालिक पीबी 40 क्वेटा 3 यहां पर कादिर अली जो है वो हमें कामयाब नजर आ रहे हैं, 6,268 वोटों के साथ कामयाबी इन्होंने हासिल की है। और पीबी 40 का ये नतीजा है क्वेटा 3 का, जहाँ कादिर अली ने मैदान मारा है, 6,268 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और अब तक के नतीजे के मुताबिक कादिर अली यहां से आगे हैं। पीबी 40 क्वेटा 3 का ये नतीजा अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पीबी 40 क्वेटा 3 कादिर अली 6,268 वोटों के साथ लीड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, 6,268 वोट इनके कोर्ट में आए हैं। इसके अलावा PS60 पीपल्स पार्टी के जाम खान चोरो वोट लेकर कामयाब हुए हैं, ये भी एक अहम हलका कंसिडर किया जाता है पीपल्स पार्टी के लिए, स्पेशली PS60 पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो वोट लेकर जो है वो हमें आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, GDA के एयाज लतीफ प्लेजो 6,864 वोट ही यहां से हासिल कर सके। मजीद नतायज अभी आपको बताएं, PS60 की बात ही करें, पीपल्स पार्टी के जाम खान चोरो यहां से वो कामयाब हुए हैं और PS12 और सूबाई असम्बली की एक और अहम सीट है ये, और यहां से सुहेल अनवर जो है वो कामयाब हुए हैं, 50,000 वोट लिए, 50,400 वोट लिए और लाड़काना 3 का इलाका अपने नाम किया है, सुहेल अनवर सियाल थे। और आपको बताएं हैदराबाद 1 PS60 का हलका है, जाम खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं यहां से मैदान मारा है, 36,830 जो सी वोट हैं यहां से उन्होंने हासिल किए हैं और हैदराबाद 1 का ये इलाका है, PS60 का ये हलका है और सिंध असेंबली की ये सीट है और यहां से पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, जाम खान उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 36,830 वोट इन्होंने हासिल किए, 36,830 वोट लेकर ये मार्का अपने सर किया है, ये मार्का इन्होंने, ये मैदान जो है इन्होंने सर कर लिया है। जाम खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PS60 से कामयाब रहे हैं, सिंध असेंबली की ये सीट है और सूबाई असेंबली की ये सीट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट भी अपने नाम की है। तो सिंध के महाज पर जो नतायज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं उसमें बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है। और यहां पर PS60 की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद कि ये पहली सीट है सूबाई असम्बली की, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा, जाम खान उम्मीदवार हैं, 36,830 वोट हासिल किए, 36,830 वोट हासिल करके ये मैदान मार लिया है, ये सीट अपने नाम कर लिए है और मजीद नतायज सब अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। एक और नतीजा आपको बताएं कि PP 203 की सीट है, साहिवाल 6 का इलाका है,
आजाद उम्मीदवार ये सीट जीतने में कामयाब हो चुके हैं। राय मुर्तजा है कैंडिडेट, आजाद उम्मीदवार आजाद हैसियत से मैदान में उतरे, 62,468 वोट हासिल किए हैं। बता रहे हैं आपको एक और नतीजा आपके सामने रख रहे हैं, पीपी 203 आजाद उम्मीदवार है राय मुर्तजा, 62,468 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, ये मनाजिर हम आपको तमाम शहरों से दिखा रहे हैं, लाहौर, सादिकाबाद, पेशावर, कराची, सरगोधा, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, नवाबशाह, ये वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर हैं जहां से नतायज आने का सिलसिला अब जारी है। गैर हतमी, गैर सरकारी नतायज समा सहाफती जिम्मेदारी अदा करते हुए आपके सामने रख रहा है। आपको बता रहे हैं कि PS 60 हैदराबाद 1 जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम खान कामयाब हुए हैं 36,838 वोटों के साथ। इसके अलावा हैदराबाद 2 PS 61 शर्जील इनाम मेमन 63,638 वोटों के साथ आगे है। जाम शोरों से PS 77 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह जो है वो हमें 66,100 वोटों के साथ कामयाब नजर आ रहे हैं। जाम शोरों 1 PS 77 का ये हल्का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 66,100 वोट लेकर हमें आगे नजर आ रहे हैं। साबिक वजीर आला सैद मुराद अली शाह यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से लीड कर गए हैं, 66,100 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन की अगर हम बात करें तो PS 61 में उन्होंने 63,638 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको मनाजिर भी दिखाए थे कि शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा था। जाम शोरों 1 PS 77 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 66,100 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। और सिंध में पीपल्स पार्टी काफी अच्छे तरीके से हमें लीड करती हुई जीती हुई नजर आ रही है। एक और है लाड़काना 4 PS 13, यहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदिल अल्ताफ जो हैं वो हमें अच्छी खासी लीड के साथ आगे नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा लाड़काना 4 PS 13 का ये नतीजा है जो आपके सामने रख रहे हैं, 89,824 वोट जो है इन्होंने हासिल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदिल अल्ताफ। लाड़काना 4 PS 13 से काफ़ी हमें आगे नज़र आ रहे हैं। लाड़काना में बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसका नतीजा भी इस तरीके से सामने आया कि आदिल अल्ताफ यहां से कामयाब हुए हैं। लाड़काना 4 PS 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदिल अल्ताफ यहां से मैदान मारते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो अंदरून सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेन कैंडिडेट है वो काफ़ी लीड के साथ हमें जीते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत यहाँ में काफ़ी एक्टिव भी नजर आई थी। इसके अलावा लाड़काना 3 PS 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर सयाल 50,400 वोटों के साथ आगे हैं। और आदिल अल्ताफ लाड़काना 4 PS 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, यहां से कामयाब हुए हैं। इसके अलावा कोयटा 3 PB 40 यहां से कादिर अली हमें 6,268 वोटों के साथ आगे नजर आ रहे हैं, कामयाब हुए हैं। सोहबतपुर के PB 15 मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है सलीम खान, 24,936 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। सोहबतपुर PB 15 मुस्लिम लीग नून के ये कैंडिडेट हैं सलीम खान, जिन्होंने हासिल किए हैं 24,936 वोट। इसके अलावा आपको बताते हैं कि खरान से PB 33 मुस्लिम लीग नून के ही हैं मीर शुएब, जिन्होंने 11,203 वोट हासिल किए हैं। जी बिल्कुल, हम आप तक नतायज जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, सूबाई असेंबली के जो नतायज हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरून सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी मैदान मारती दिखाई दे रही है और ये सोहबतपुर PB 15 का नतीजा आपको बताएं कि PMLN के सलीम खान 24,936 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए। खारान PB 33 की बात करें मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार मीर शुएब 11,203 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए। PB 40 की बात करें कोयटा का हल्का है PB 40 और बलूचिस्तान की असेंबली की ये सीट है और ये कादिर अली ने 6,000 से ज्यादा वोट लेकर अपने नाम की है। और ये आपको बताएं कि PB 15 सोहबतपुर की ये सीट है, PMLN के सलीम खान ने 24,936 जो है वोट हासिल किए हैं। गैरतमी गैर सरकारी नतायज समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है, मुसलसल अपडेट्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। सबसे पहले सबसे तेज जो नतायज हैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाए जा रहे हैं। गैरतनी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PB 33 खारान में से मीर शेब मुस्लिम नून के उम्मीदवार कामयाब हुए, PB 40 कोयटा 3 से कादिर अली 6,268 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए और नतायज जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। PB 15 की बात करें सोहबतपुर का इलाका है, मुस्लिम नून के कैंडिडेट सलीम खान 24,936 यानी कि तकरीबन 25,000 के करीब वोट लेकर कामयाब हुए। खारान में भी नूनी के ही उम्मीदवार 11,203 वोट लेकर मीर शुएब इनका नाम है यहां से ये मैदान इन्होंने मारा। PB 40 कोयटा से कादिर अली 6,268 वोट लेकर यहां से कामयाब ठहरे हैं, कामयाब करार पाए हैं।